प्रकार की बाधाओं और शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ नव ग्रहों के कुप्रभाव से रक्षा के लिए भी किया जाता है। ओम इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। सीता और रामचंद्र देवता हैं। अनुष्टुप छंद हैं। सीता शक्ति हैं। हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बुद्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजित हैं और पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके अलौकिक नेत्र नए कमल दलों से स्पर्धा करते हैं, अर्थात जो कमल दलों से भी सुंदर नेत्र वाले हैं, जो प्रसन्नचित हैं, जिनके बाएं अंग में बैठी सीता के मुख कमल से मिले हुए हैं तथा जिनका रंग बादलों की तरह श्याम है, उन अजान बाहु विभिन्न आभूषणों से विभूषित जटाधारी श्री राम का मैं ध्यान करती हूँ। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर महापातकों को नष्ट करने वाला है। नीले कमल के समान श्याम वर्ण वाले कमल नेत्र वाले जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी तथा लक्ष्मण सहित ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण करके जो अजन्मा हो, अर्थात जिनका जन्म न हुआ हो, जो प्रकट हुए हो एवं सर्वव्यापक तथा अपनी लीलाओं से रक्षा हेतु अवतीर्ण श्री राम का स्मरण करके मैं सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और समस्त पापों का नाश करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हूँ। राघव मेरे सिर की और दशरथ के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा कर। कौशल्या नंदन मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की, यक्ष रक्षक मेरे घ्राण यानी कि नाक की रक्षा करें और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करें। मेरी जीवा की विधा निधि रक्षा करें। भरत वंदित मेरे कंठ की रक्षा करें। कंधों की दिव्या युद्ध और भुजाओं की महादेव का धनुष तोड़ने वाले भगवान श्री राम रक्षा करें। मेरे हाथों की सीतापति श्री राम रक्षा करें। हृदय की जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले मध्य भाग की खर राक्षस के वध करता और नाभि की जाम भगवान के आश्रयदाता रक्षा करें। मेरी कमर की सुग्रीव के स्वामी, हड्डियों की हनुमान के प्रभु और सभी रघुओं में उत्तम और राक्षस कुल का विनाश करने वाले श्री राम मेरी जांघों की रक्षा करें। सेतु का निर्माण करने वाले मेरे घुटनों की, दशानन का वध करने वाले मेरी अग्रजंघा की, विभीषण को ऐश्वर्य देने वाले मेरे चरणों की और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति एवं श्रद्धा के साथ राम बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। जो जीव पाताल पृथ्वी और आकाश में विचरते रहते हैं अथवा छगन वेश में घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। राम, रामभद्र तथा रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला राम भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भक्ति और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। जो राम नाम से सुरक्षित जगत पर विजय करने वाले इस मंत्र को अपने कंठ में धारण करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव विजय और मंगल की ही प्राप्ति होती है। स्वप्न में बुद्ध कौशिक ऋषि को भगवान शिव का आदेश होने पर बुद्ध कौशिक ऋषि ने प्रातः जागने पर इस स्तोत्र को लिखा। जो कल्प वृक्षों के बगीचे के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं और जो तीनों लोकों में सुंदर हैं, वही श्री राम हमारे प्रभु हैं। जो युवा सुंदर सुकुमार महाबली और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों की तरह वस्त्र एवं काले मृग का चर्म धारण करते हैं, जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी तपस्वी एवं ब्रह्मचारी हैं, वे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। ऐसे महाबली रघु श्रेष्ठ, मर्यादा पुरुषोत्तम, समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षसों के कुलों का समूल नाश करने में समर्थ हमारी रक्षा करें। संघान किए, धनुष धारण किए हुए, बाण का स्पर्श कर रहे, अक्षय बाणों से युक्त तुणीर धारण किए हुए राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मेरे आगे आगे चले। हमेशा तत्पर कवचधारी, हाथ में खड़ग धनुष बाण धारण किए हुए युवावस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करें। भगवान शिव का कथन है कि श्री राम
दाशरथी, शूर, लक्ष्मणाचुर, बलि, काकुतस्थ, पुरुष, पूर्ण, कौसल्ये, रघुतम, वेदांत, वेद, यज्ञेश, पुराण, पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ, श्रीमान और श्री अप्रमेय पराक्रम आदि नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन एवं पीताम्बर धारी श्री राम के उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता। लक्ष्मण के बड़े भाई रघुवर, सीता जी के पति, काकुतस्थ राजा के वंशज, करुणा के सागर, गुण निधान, ब्राह्मणों के प्रिय, परम धार्मिक राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ दशरथ के पुत्र, श्याम वर्ण, शांति स्वरूप, संपूर्ण लोकों में सुंदर अनुकूल तिलक राघव एवं रावण के शत्रु भगवान श्री राम की मैं वंदना करती हूँ। राम, रामभद्र, रामचंद्र, विधाता स्वरूप रघुनाथ प्रभु एवं सीता जी के स्वामी की मैं वंदना करती हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भारत के अग्रज भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दी। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करती हूँ और श्री राम के चरणों का वाणी से गुणगान करती हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान रामचंद्र के चरणों को प्रणाम करती हुई मैं उनके श्री चरणों की शरण लेती हूँ। श्री राम मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा है। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा मैं किसी दूसरे को नहीं जानती। जिनके दक्षिण में लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करती हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा युद्ध कला में धीर, कमल के समान नेत्र वाले रघुवंश नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार की श्री राम की शरण में, मन के समान गति और वायु के समान वेग वाले जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, वायु के पुत्र वानर दल के अधिनायक श्री राम दूत हनुमान की मैं शरण लेती। मैं कविता मई डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को पूजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करती हूँ। मैं सभी लोगों में सुंदर श्री राम को बार बार प्रणाम करती हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, वह समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करती हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करती हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता नहीं है। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं हमेशा श्री राम में ही लीन रहूँ। हे श्री राम, आप मेरा इस संसार सागर से उद्धार करें। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम नाम का सत्वन करता हूँ, राम नाम में ही रमण करता हूँ। श्री राम रक्षा स्तोत्र संपूर्ण। तो दोस्तों, ये था श्री राम रक्षा स्तोत्र जो हमने आपको सुनाया। आप इस राम रक्षा स्तोत्र को अपने जीवन में धारण कीजिए और अपने जीवन की रक्षा कीजिए। ये राम रक्षा स्तोत्र इतना शक्तिशाली है कि यदि आपका कोई अपना संकट में है और आप उसके जीवन के संकटों को दूर करने के लिए उसका नाम लेकर भी ये राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उसका जीवन संकट से बाहर आ जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, कल फिर